नमस्कार, एनडीटीवी इंडिया पे आपका स्वागत है। मैं हूं मनोरंजन भारती। आज चर्चा करेंगे एक ऐसी किताब पर जो कि एक तरह से लगा कि मुझे पढ़ के कि जैसे मैं कोई रिपोर्टर्स की डायरी पढ़ रहा हूं। जी हां, इस किताब का नाम है लास्ट अमोंग इक्वल्स। ये जो है बिहार के ऊपर लिखी गई है, बिहार में जो नरेगा का जो कार्यक्रम चलता है उसके बारे में लिखी गई है, उन गरीबों मजलूमों के बारे में लिखी गई है जिसके बारे में आप शायद बहुत चीजें नहीं जानते होंगे दिल्ली और बड़े बड़े महानगरों में बैठकर। और इसको लिखने वाले हैं MR सरन साहब हैं, अभी अमेरिका में है, वहीं पर ये असिस्टेंट प्रोफेसर है मैरीलैंड यूनिवर्सिटी में, हार्वर्ड से PhD किया है, दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में पढ़ाई की है, हंसराज कॉलेज में पढ़े हैं। इसके पहले भी इनकी एक किताब जो है ब्लू आ चुकी है। लेकिन सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया NDTV इंडिया से बातचीत करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद मनोरंजन जी। मेरा सबसे पहला सवाल, जो मैंने कहा भी कि ये किताब पढ़ के लगा नहीं कि मैं कोई किताब पढ़ रहा हूँ, मुझे लगा कोई रिपोर्टर्स की डायरी पढ़ रहा हूँ, जैसे रिपोर्टिंग करते हुए हम लिखते हैं। ये किताब लिखने का ख्याल क्यों आया और आपने जिस ढंग से लिखा है उसके लिए आपको बधाई। थैंक यू सो मच मनोरंजन जी। इस किताब का एक्चुअली जन्म इस तरीके से हुआ कि मैं अपना PhD खत्म किया था। मैंने PhD किया था हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के हार्वर्ड केनेडी स्कूल से, और PhD मैंने डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स में किया था, अर्थशास्त्री, लेकिन वो डेटा और ये सब टेक्निकल टेक्निक्स यूज करके मैंने एक PhD किया था। तो जब PhD खत्म हुआ तब मैंने मेरे पास कुछ टाइम था, और मैंने एक किताब ऑलरेडी लिख चुका था मैंने, तो मेरे जो लिटरेरी एजेंट है उन्होंने बोला कि क्यों नहीं आप अपने PhD के बारे में ही एक और किताब लिख दे, लेकिन वो टेक्निकल ना हो, उसका कुछ समरी निकाल के ले पर्सन के लिए जितना आसानी से आप लिख सकते हो, जितना आसान तरीके से लिख सकते हो वैसे एक किताब लिखो आप, ताकि और लोगों को पता चले कि जैसे आपने रिसर्च किया है उस रिसर्च का क्या रिजल्ट आए हैं। तो वो मतलब बिल्कुल स्टार्टिंग पॉइंट थी किताब की। लेकिन मैंने उसके बाद मैंने भी सोचा कि बहुत ऐसे चीजें थे जो मैंने देखा था बिहार में, जो मेरी PhD में वो फिट नहीं कर रहा था। मतलब जो इकोनॉमिक्स के जो पेपर्स की जो लिखने की तरीका होता है उसमें कुछ कुछ चीजें आप लिख सकते हो, कुछ कुछ चीजें आप नहीं लिख सकते हो। तो वो सब चीजें जो मैंने देखा, जो मैंने महसूस किया, जिन लोगों से मैंने दोस्ती किया, वो सब चीजों के बारे में मुझे लिखना था। तो मैंने सोचा कि ये किताब में लिखूंगा उसके बारे में। बहुत ब्यूटीफुल जर्नी है। एक दिल्ली के जनकपुरी से कोई इलेक्ट्रीशियन जाता है और किस ढंग से वो लोगों को मोबिलाइज करता है। लेकिन इस बात का दुख लगा मुझे पढ़ते हुए कि जिसको हम समझते हैं कि ये जो मुखिया है, चाहे जिसे सरपंच भी कई जगह कहते हैं, वो डेवलपमेंट करेगा, लेकिन वहीं पे घपला है और पैसे जो राजीव गांधी के समय में कहा गया वो पैसे गरीबों तक पहुंच नहीं पाते हैं। तो ये जो आपने बिल्कुल पॉइंट पकड़ा है मुखिया के बारे में, ये बिल्कुल सही है। मतलब पंचायतों में, बिहार के पंचायतों में ये हर जगह होता है, लेकिन बिहार में खास करके जो पंचायत के बिल्कुल लास्ट माइल जिसको कहते हैं, जो पंचायत गांव में जो लोगों को लाइव्स को बहुत एक डीप तरीके से जो इन्फ्लुएंस करता है वो मुखिया का काम, क्योंकि वो मुखिया तो प्रतिनिधि होते हैं जो इलेक्टेड होते हैं, और वो काफी बार ऐसे लोग होते हैं जो बिल्कुल भूमिहार राजपूत ऐसे अपर कास्ट से जो है वहां से आते हैं, और उनके पास जमीन होता है, वो पुराने जमींदार फैमिली से होते हैं, और इनकी जो पावर है उसको चैलेंज करना ही लास्ट माइल में सबसे बड़ा क्वेश्चन है। और ये मैंने देखा है गांव में। मतलब जब भी मैंने फील्ड वर्क किया है, जब भी मैंने मजदूरों से के बीच काम किया है, जब भी मैं लोगों से मिला हूं, तो उनके सारे प्रॉब्लम्स जो होते हैं, उनके सारे जो डिसीजंस होते हैं उनके लाइफ के बारे में, वो सब चीजें लास्ट माइल पे मुखिया, जो गांव के मुखिया होते हैं, वो लेते हैं। और वो हर मतलब उसको मैं जब देखता हूं, मैं ये नहीं सोचता हूं कि वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि मुखिया जो होते हैं वो गांव में होते हैं। जब आपका MLA हो है या आपका MP हो, वो तो बहुत दूर होते हैं, उनसे तो आपको मिलना बहुत मुश्किल होता है, खास करके ऐसे मजदूरों के लिए। तो ये अच्छी बात है कि गांव स्तर पे ऐसे कोई नेता हो जिसके पास आप जा सकते हो, जो आपका मदद भी कर सकते हैं। लेकिन इसका प्रॉब्लम ये हुआ है कि काफी बार ये जो लोग होते हैं जो गांव को चलाते हैं, वो ऐसे ग्रुप से आते, ऐसे वर्ग से आते हैं, वो थोड़ा ज्यादा अमीर होते हैं कि, और उनमें से इतना पावर कॉन्सेंट्रेट होता है कि बहुत मुश्किल होता है कि मजदूरों को उन तक भी पहुंचना। जी,
आपने जो अब कहानी लिखी है संजय साहनी के जरिए, पहले तो मैं ये जानना चाहता हूँ क्या ये सच में कैरेक्टर है या फिर ये भी कोई फिक्शनल कैरेक्टर है। दूसरी बात, जो बात आप कहना चाह रहे थे, क्या आपको इस पूरे रिसर्च के दौरान कोई एक पर्सन मिला जो जो कि आप कहें कि आशा की किरण हो, कोई अधिकारी मिला हो, कोई ऐसा मिला हो कि जो इसके इस मुखिया जी के भ्रष्टाचार के खिलाफ खड़ा होने की कोशिश कर रहा हो? तो पहले मैं बताना चाहता हूं कि ये नैरेटिव नॉन फिक्शन है, जिसका मतलब है कि ये कहानी नहीं है, ये सच है। तो संजय साहनी जी जो है वो मेरे ही दोस्त है, वो उनसे मैं बहुत बार मिला हूँ, उनके गांव गया हूँ, उनके घर में रहा हूँ, और उनकी जो कहानी है वो बहुत ही इंस्पिरेशनल है। जैसे आपने भी बोला था कि वो दिल्ली में थे, इलेक्ट्रिशियन थे, वो सब कुछ छोड़ के वापस अपने गांव गए भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ना। तो वो तो पहली बात है। दूसरी बात यह है कि क्या ऐसे लोग मिले हैं? बहुत सारे लोग मिले हैं गांव स्तर पे। मुखिया जी होते हैं, मुखिया के भी लोग, कुछ लोग होते हैं जो सचमुच अपने लोगों के लिए कुछ करना चाहते हैं। कभी कभी वो दलित वर्ग के मुखिया लोग होते हैं, कभी कभी महिला मुखिया होते हैं। महिला मुखिया, खास करके जब कोई महिला मुखिया आपसे मिलते हैं जो सच में मतलब कुछ काम करना चाहते हैं, तो हमारे लिए भी अच्छा लगता है कि जब वो वोट मांगने आते खुद आते हैं, ऐसे नहीं है कि अपने पति के फोटो लेके आते हैं। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं, और वो गांव स्तर पे और भी लोग हैं, जैसे जिसको बोलते हैं वार्ड मेंबर। तो मुखिया जी एक होते हैं, मुखिया जी के नीचे वो लोग होते हैं जो वार्ड मेंबर होते हैं। वार्ड मेंबर खास करके 200-300 लोगों दो घरों के बीच एक नेता होते हैं। बहुत सारे वार्ड मेंबर्स हैं जिनसे मैं मिला हूं, जिनको मुझे लगता है कि अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत छोटे स्तर पर काम करते हैं लेकिन अच्छा भी काम करते हैं। तो ऐसे नहीं है कि लोग कोशिश नहीं कर रहे या प्रयत्न नहीं कर रहे कि लोगों को मदद करे, अच्छा काम करे, लेकिन एक पूरा एक ढांचा बना हुआ है अभी जिसमें भ्रष्टाचार इतना घुस गया है कि उसको थोड़ा सॉल्व करना थोड़ा मुश्किल ही है। एक चीज और आपकी किताब में उभर के सामने आई, भ्रष्टाचार पे फिर बात करेंगे, जो महिलाओं के पार्टिसिपेशन पे आपने जो लिखा है, मदीना बेगम, सुशीला देवी, बासमती देवी, सुमरिया देवी, शकुंतला देवी, मतलब नरेगा जो है उनको भी इम्पावर करने के लिए एक एक टूल बन सकता है, बजाय कि आप उसमें भ्रष्टाचार ना करें और यदि उनको जायज पैसा दें जो काम आपने उनसे करवाया है। तो महिलाओं के लिए खास करके नरेगा बहुत ही एक इम्पोर्टेंट योजना है, क्योंकि जो नरेगा में न्यूनतम मजदूरी जो मिलती है उस मजदूरी पे बहुत लोग काम नहीं करेंगे। जो थोड़ा बहुत युवा है, जिनके पास थोड़ा ज्यादा काम करना चाहते हैं, जो प्राइवेट लेबर मार्केट में जिनका वेजेस ज्यादा होता है, वो लोग नरेगा पे काम नहीं करते हैं। तो सबसे ज्यादा जो लोग काम करते हैं वही महिला लोग होते हैं, जो मतलब 40-50 उम्र के जो होते हैं, जिनके पास बच्चे थोड़ा बड़े हो गए हैं, जो जिनके पास थोड़ा टाइम है, लेकिन जो अभी भी बहुत गरीब है। तो उनके लिए नरेगा बहुत ही एक, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, सेफ्टी नेट बन गया है, और नरेगा उनको बहुत मदद करता है। दूसरी बात यह है कि महिला लोग जो होते हैं, एटलीस्ट जो महिला लोग से मैं मिला हूं गांव में, काफी बार वो लोग न सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, पूरे समूह के बारे में सोचते हैं। तो जब वो लोग काम करते हैं तो एकजुट होके काम करते हैं, एकजुट होके मुखियाओं के खिलाफ लड़ते हैं या बीडीओ के खिलाफ लड़ते हैं, और उनको जब और वो हंसमुख से मतलब एक ऐसे काम करते हैं जो चेयरफुल नेचर से करते हैं, तो उसको देखने में बहुत मजा आता है, बहुत सीखने को मिलता है और बहुत इंस्पिरेशनल होता है। तो बिहार में महिलाओं के बारे में मैं बहुत बात कर सकता हूं, क्योंकि उनसे मैंने बहुत ही सीखा है। सरन साहब, आपने पूरी किताब लिख दी है, अब आप क्या एडवाइस करेंगे यदि कोई आपको कहे कि आप भारत सरकार को या फिर किसी अथॉरिटी को आप एडवाइस करना चाहे, कि क्योंकि ये नरेगा एक टूल के तरह आया, मतलब मुझे अब सबको मालूम है यूपीए को दूसरा टर्म कहा गया कि इसलिए मिला क्योंकि नरेगा की वजह से जो काम हुए थे, तो अब इसमें जो खामियां हैं उसको दूर करने के लिए आपके पास क्या सुझाव हो सकते हैं? तो काफी कुछ चीजें कर सकते हो आप। अभी भी बिहार में ही अगर आप देखेंगे तो पिछले 2-3 साल से नरेगा भी थोड़ा इंप्रूवमेंट दिख रहा है, और ओवरऑल इंडिया में अगर देखेंगे तो इकोनॉमिक परिस्थिति इतना खराब हो गया है, क्योंकि ये डिमोनेटाइजेशन हुआ, फिर कोरोना हो गया, जीएसटी बीच में आया, तो इसका मतलब ये है कि सब गरीब जो है थोड़ा तरस रहे हैं, थोड़ा काम के लिए ढूंढ रहे हैं, और अनएम्प्लॉयमेंट रेट इतना ज्यादा बढ़ गया है अभी कि गांव में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स है। तो अगर मैं एडवाइस करता तो मैं काफी चीजें बोलता, लेकिन मैं 2-3 चीजें अभी बोलूंगा। एक तो अभी भी ये है
कि जो सबसे बॉटम लेवल की जो नेता लोग है, जो मुखिया है, जो वार्ड मेंबर है, उनको और ज्यादा पावर्स मिलना चाहिए, खास करके वार्ड लोगों के लिए, क्योंकि वार्ड जो प्रतिनिधि होते हैं वो बिल्कुल वो जातियों से होते हैं जो जिनको और कोई भी गवर्नमेंट के अंदर पोस्ट नहीं मिलता है। जैसे माझी टोला में, डोंग टोला में भी वार्ड मेंबर होते हैं जो बहुत अच्छे काम करते हैं, तो उनको ज्यादा पावर मिलना चाहिए, क्योंकि नीचे से जितना लोगों को पावर मिलता है उतना वो लोग काम कर सकते हैं लोगों के लिए। मेरी किताब में ये भी है कि जो अगर आपको पावर को थोड़ा अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो मैंने आर्ग्यू किया है कि जो रिजर्वेशन, जो आरक्षण जो हुई है बिहार में, खास करके पंचायत स्तर पे, उससे काफी ज्यादा फर्क पड़ा है। दलित, ईबीसी, मतलब जो एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेस जो होते हैं, उन सारे वर्ग के लोगों के लिए, महिला लोगों के लिए, इन सबसे बहुत हेल्प मिला है। तो अगर मैं किसी गवर्नमेंट को एडवाइस करता तो फाइनली एक चीज बोलता है कि पैंडेमिक जो हमने देखा, उसमें हमने दो चीजें नोटिस किया। पैंडेमिक तो एक तो हमारा जो हेल्थ केयर, स्वास्थ्य की जो सिस्टम है वो पूरा खराब हो चुका है, उनमें से उसमें इन्वेस्टमेंट्स बहुत कम है। गांव स्तर पे अगर जाओगे तो कोई लोकल डॉक्टर के पास, मतलब जो सरकारी डॉक्टर है उसके पास नहीं जाते हैं, कोई बंगाली डॉक्टर होते हैं जो कुछ भी दवाएं खिलाते हैं उनके पास ही जाते हैं। लोग कोरोना से मरे हैं, हमारी एक स्टडी है जहां हमने देखा है कि एक पायलट स्टडी किया हमने, सर्वे किया, उसमें 300,000 लोग एक्सेस डेथ का हुआ है कोरोना के सेकेंड वेव के 2 महीने में। तो स्वास्थ्य का जो सिस्टम है उसमें बहुत सारी इन्वेस्टमेंट चाहिए, उनमें से जो लोग होते हैं उनको मॉनिटरिंग करना चाहिए। दूसरा चीज ये है कि एजुकेशन, शिक्षा पे भी जो इन्वेस्टमेंट हुए हैं पिछले 10-15 साल में, काफी कुछ और पॉलिसीज के कंपैरिजन में बहुत कम हुआ है। जैसे अब बिहार में ही नरेगा हुआ है, लोक शिकायत निवारण कानून, बहुत सारे ऐसे चीजें हैं जो ले आए हैं नीतीश कुमार जी के सरकार ने, लेकिन शिक्षा में जो इन्वेस्टमेंट है वो कम है, प्राइमरी एजुकेशन, और अभी कोरोना की वजह से और भी कम हो गया है। मतलब बच्चे जो है वो स्कूल से ड्रॉप आउट करके गांव में ऐसे घूमते हैं। अभी मैं गया था रत्नौली गांव मुजफ्फरपुर में, जहाँ पे बहुत सारे कहानियां है इस किताब में भी, वहां पे भी सबसे बुरा मुझे यही लगा कि दिन में, मतलब बुधवार गुरुवार, मतलब वीकडे में ऐसे बच्चे ऐसे घूम रहे कोई काम के बगैर, एक दो बच्चा ढाबा में खाना खिला रहा है लोगों को। तो ये सब चीजें देख के बहुत दुख लगता है। तो एजुकेशन और हेल्थ में भी इन्वेस्टमेंट्स बहुत ज्यादा करना चाहिए। चलिए सरन साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला एनडीटीवी से बातचीत करने के लिए। मैं उम्मीद करता हूं कि सरकार तक भी ये बात पहुंचे, आपकी किताब पहुंचे। वैसे बहुत अच्छी किताब है, काफी दिनों बाद एक ऐसी किताब पढ़ने को मिला है जो कि आपको सच्चाई से रूबरू कराता है। बहुत बहुत शुक्रिया सरन साहब। बहुत बहुत धन्यवाद मनोरंजन जी, थैंक यू।